हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बैक ऑफिस के जॉब के बारे में। तो बैक ऑफिस का क्या जॉब होता है, क्या ड्यूटीज हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और या ये एक ऐसा जॉब है जो आपको पसंद आएगा, क्योंकि जब आप जानेंगे कि बैक ऑफिस में एक्चुअली क्या करते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ये जॉब आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि जो नए वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। बैक ऑफिस एक कंपनी का वो पोर्शन होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट पर्सनल होते हैं। बैक ऑफिस में जो काम होता है वो क्लाइंट से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। तो एक कंपनी के आप ऐसे सोच सकते हैं कि दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है फ्रंट ऑफिस, दूसरा है बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस में जो काम करते हैं, लेट्स से एक रियल एस्टेट कंपनी है, तो जो फ्रंट ऑफिस में है रिसेप्शनिस्ट है या फिर सेल्स वाले हैं, वो फ्रंट ऑफिस के काम कर रहे हैं। और जो भी पेपर वर्क जब होता है उसको जो सब करते हैं, उसकी एंट्री करना या फिर सिस्टम में सब कुछ डालना या फिर अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, या फिर पीछे का जितना भी पेपर वर्क है वो सारा काम करना बैक ऑफिस का काम होता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रंट ऑफिस होता है वो फेस ऑफ द कंपनी होता है, और जो बैक ऑफिस होता है उसका काम होता है फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट देना। तो बैक ऑफिस जो है वो फ्रंट ऑफिस नहीं है, वो क्लाइंट से डीलिंग नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी जो कंपनी का एक जो वर्किंग है या कंपनी की सक्सेस है उसमें बैक ऑफिस का बहुत बड़ा काम होता है। बैक ऑफिस में आपका अकाउंटिंग आ जाती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, डाटा एंट्री है, एचआर है, वो भी बैक ऑफिस का काम है। तो कंपनी की सक्सेस में दोनों का ही अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फ्रंट ऑफिस का सारा सपोर्ट जो है वो बैक ऑफिस ही होता है। बैक ऑफिस जो कंपनी का होगा जरूरी नहीं है कि वो वही लोकेटेड हो जहाँ पे फ्रंट ऑफिस है। हो सकता है कि बैक ऑफिस को आउटसोर्स कर दिया जाए। हम लोग अब देखते हैं कि बहुत सारे बैक ऑफिस जो है यूएस के MNC है, उनके बैक ऑफिस जो है वो इंडिया में है, सारा जो काम होता है वो इंडिया में हो रहा है, तो उसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे फ्रंट ऑफिस है वहां पे ये बैक ऑफिस है, वो उससे अलग लोकेशन में भी हो सकता है और दोनों फिर भी एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो बैक ऑफिस का काम होता है ऑफिस बेस्ड जॉब। आप अपने डेस्क पे बैठ के ही काम करते हैं या अपने क्यूबिकल में बैठ के काम करते हैं, और जो आपके ऑफिस आवर्स होंगे वो ऑफिस आवर्स जो 9 to 5 होते हैं या 10 to 6 होते हैं वो जनरली होंगे। ये कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं होता है जनरली। तो जैसे सेल्स वालों को टारगेट होते हैं, बैक ऑफिस में टारगेट्स नहीं होंगे आपको। आपके पास जो काम आ रहा है बैक ऑफिस का, जरूरी आपके पास काम काफी आएगा बैक ऑफिस का करने का, बट उसमें टारगेट्स नहीं होंगे आपको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रेगुलर ऑफिस टाइमिंग होगी, 9 to 5 होगी, बट क्योंकि आजकल यू नो यूएस MNC है, वो यहाँ पे काम करते हैं बैक ऑफिस का, तो टाइमिंग हो सकता है कि चेंज हो, शिफ्ट जो है वो चेंज हो, तो शिफ्ट वर्क भी हो सकता है इसमें। हो सकता है आपको नाइट शिफ्ट भी काम करने को मिले, और हो सकता है बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा उसके लिए पे भी मिले। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छे से कॉम्पनसेट भी किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या स्किल सेट जो है आपको चाहिए होता है बैक ऑफिस के जॉब के लिए। अगर आपको लगता है आपके लिए जॉब ठीक है तो क्या आपको चाहिए इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन होगी, आपको 12th पे भी ये जॉब मिल सकते हैं बैक ऑफिस के, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, एज लॉन्ग एज जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें आप अच्छे हैं। जैसे डाटा एंट्री के बहुत बैक ऑफिस के जॉब होते हैं, तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको वो जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो जब हम लोग टाइपिंग स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो टाइपिंग होगी सारी कंप्यूटर पे। तो बैक ऑफिस के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना, MS ऑफिस की, एक्सेल की, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो यूज किए जा रहे हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा काम ही वही होना है। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके रिटन जो आपके लैंग्वेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप दूसरे जो आपके या तो सेल्स टीम है या फिर कोई और टीम है
उसमें आप में कम्युनिकेशन होता रहेगा। आपको कोई जॉब दिया जा रहा है तो आपने कब किया या व्हाटएवर, उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वो तो आपको अपने टीम में या आपकी कंपनी में करना होगा, तो आपका वो कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छा होना चाहिए। जो एक बहुत जरूरी चीज है कि आप, क्योंकि इतना सारा पेपर वर्क देख रहे हैं या बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको काम दे दिया गया और आप नहीं कर पा रहे, सब तरफ फैला हुआ है, तो ये काम बैक ऑफिस के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको काम भी काफ़ी मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जो हम लोगों ने टाइपिंग स्पीड की बात करी वो बहुत ज़रूरी है इसके स्किल सेट में। और क्योंकि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप डील सबसे कर रहे हैं, आप क्लाइंट से डील नहीं कर रहे हैं, बट आप बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, आप उन सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो आपको एक टीम प्लेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो आपको पढ़ाई करनी होती है वो आप कर सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पर फ्रेशर्स जॉब आपको कुछ मिल सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है डाटा एंट्री का तो आपको बिना इसके भी जॉब मिल सकती है। जो सैलरी है बैक ऑफिस में वो यू नो एज फ्रेशर्स तो आपको 7-8 thousand से लेके 10 thousand से स्टार्ट होती है फ्रेशर्स के लिए, बट जैसे जैसे आप अपने काम में बेटर होते हैं तो वो सैलरी बेटर होगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि बैक ऑफिस का काम कैसा होता है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको क्लाइंट से डील करना उतना अच्छा नहीं लगता है, टारगेट बेस्ड जॉब करना उतना अच्छा नहीं लगता है, सेल्स का आपका मन नहीं है कि आप सेल्स करें, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको यू नो टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने होते हैं, तो अगर आप एक ऐसा जॉब चाहते हैं कि आप केवल अपनी डेस्क पे बैठ के अपने क्यूबिकल में बैठ के और काम कर लें अपना, और बस आपके ऑफिस आवर्स के बाद आपका काम ख़त्म हो जाए, आपको कोई क्लाइंट से डील ना करना पड़े, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट होगा। सो ये था एक वीडियो अबाउट बैक ऑफिस जॉब्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे गाइस, बाय।